नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे खबरों का। कन्नौज में कांवड़ियों के रूट को लेकर पुलिस में मत्थापिटी लगातार देखी जा रही है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर वाहनों का डायवर्जन कराया। मेहंदी घाट से गौरी शंकर मंदिर तक रूट डायवर्जन हुआ। हजारों कांवड़िए 29 तारीख को बाबा गौरी शंकर का जलाभिषेक करेंगे। सावन के 15वें दिन गौरीशंकर मंदिर में जलाभिषेक का विशेष महत्व बताया जाता है। हजारों कांवड़िए मेहंदी घाट से गंगा जल लाकर यहां जलाभिषेक करते हैं। एसपी कहते हुए नजर आए कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह के वाहन पर पूरी तरह से रोक रहने वाली है। फरुखाबाद में बच्चों के जीवन से सरकारी स्कूल के अध्यापक यानी कि टीचर खिलवाड़ करते हुए नजर आए हैं। अध्यापक पढ़ाई की जगह बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवा रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई प्राथमिक विद्यालयों से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बच्चों का झाड़ू लगाते हुए कैमरे में कैद होते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। सरकार लाखों रुपये खर्च कर रही है बेहतर शिक्षा देने के लिए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो पूरी व्यवस्था पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। स्कूल के टीचर्स बच्चों के भविष्य को अशिक्षा के पायदान पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। स्कूल की खबर कवरेज करने गए पत्रकार के साथ टीचर्स ने अभद्रता भी की है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। टीचर ने पत्रकार का मोबाइल फोन भी छीन लिया। थाना शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर बैरागढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में छात्रा कैद है, स्कूल में झाड़ू लगाती हुई नजर आ रही है। वहीं शाजापुर में तेज रफ्तार की कहर जो है वो देखने के लिए मिला है। तेज रफ्तार की वजह से कांवड़िए घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली पलटने से आधा दर्जन कांवड़िए घायल हो गए। फरुखाबाद से गंगा जल भरकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने गुना जा रहे थे कांवड़िए। कांवड़ियों की ट्रॉली पलटने की सूचना पर सीओ सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सभी घायल कांवड़ियों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। थाना अल्हागंज के फरुखाबाद स्टेट हाईवे की पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं पीलीभीत में सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। जनपद के करीब 50 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। जनपद के सभी ब्लॉक के समस्त सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षकों को शॉल स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और पूरनपुर खंड शिक्षा अधिकारी और वरिष्ठ लेखाधिकारी रहे मौजूद। कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ के तत्वाधान में महिला शिक्षक संघ पीलीभीत द्वारा किया गया। सम्मान पाकर सभी सेवानिवृत्त गुर्जरों की आंखों में खुशी के आंसू छलके। शहर के संतोष होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं शामली में रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। बता दें कि तेज रफ्तार से आ रही दो बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मासूम सहित करीब 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हरदोई में टीचर ने पढ़ाई के दौरान क्लासरूम में बच्चों से हाथ पैर दबवाए हैं। स्कूल में पढ़ाने की बजाय धमकाकर बच्चों से अपनी सेवा करवा रही थी। विकासखंड 52 के पोखरी प्राथमिक विद्यालय का मामला बताया जा रहा है। बीएसए वीपी सिंह ने बताया कि शिक्षिका को निलंबित कर उसकी कार्रवाई की जा रही है। खंड शिक्षा अधिकारी इस पूरे मामले में जाँच करेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। स्कूल में बच्चों से शिक्षिका हाथ पैर दबाती हुई नजर आ रही है। किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। बताया जा रहा है कि टीचर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर पालिका द्वारा सरकार राही अतिथि गृह में अस्थायी गौ आश्रय बनाया गया है, जिसमें फिलहाल लगभग 150 के करीब गौवंश
रह रहे हैं। बारिश के कारण गौशाला में जलभराव होने से कीचड़ हो गया है, जिससे गौवंश को बैठने में भारी परेशानी हो रही है। आलम यह है कि कीचड़ में फंसकर गौवंश गिर पड़ते हैं और फिर उठ नहीं पाता। ईडी के द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से पूछताछ किए जाने के मामले में नाराज होकर हरदोई में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय से प्रदर्शन किया और पुलिस लाइन के सामने गांधी पार्क में धरना दिया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम गांधी के अनुयायी हैं, सावरकर के नहीं, जो डर जाएंगे। कहा, जितना हमें प्रताड़ित किया जाएगा हम उससे बेहतर तरीके से उठकर खड़ी हो जाएंगे और गरीबों, मजदूरों, नौजवानों की बात कहेंगे। कहा कि सरकार के इशारों पर ईडी परेशान कर रही है, ईडी वाले सचेत हो जाएं, सरकारें बदलती रहती हैं। मुरादाबाद के गल शहीद इलाके में जर्जर दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। जर्जर दीवार गिरने से दो बच्चों के दबने से हड़कंप मच गया। मलबे में दबने से एक बच्चे की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घायल बच्चे को परिजनों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। गल शहीद थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के चांदा गांव में शिक्षक समेत तीन लोगों के घरों से नकदी, जेवर समेत लाखों की चोरी होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच पड़ताल कर रही है। परिवारजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि रोज की तरह हम लोग खाने पीने के बाद घर पर सो गए। जब सुबह नींद खुली तो देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ है और अलमारी में रखा पूरा सामान घर के अंदर फैला पड़ा है, जिसमें परिवार के सदस्यों के सोने, चांदी के आभूषण, नगद चोर साफ कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र बहादुर सिंह। क्या हुआ है? कमरे चोरी हो गई। आप लोग कहाँ थे? हम लोग दूसरे घर पे सो रहे थे। ये कोई नहीं था? कोई ताला तोड़ के ये कहाँ से? ताला आगे बंद था, एक अंदर के साथ जितने चार पांच बक्से का ताला, दो बक्से बड़े वाले संदूक, उनके ताला तोड़ के सब। क्या क्या गया है? एक पायल, एक तोड़िया, 10,000 रुपये और सिक्के थे 500-600 के। लगभग कितनी चोरी हुई है? अरे 20-22 हज़ार रुपये मान लो। थाने कंप्लेंट की है? अब जा रहे हैं, अभी पुलिस आई थी, अब जाएंगे। 112 आई गई थाने से? 112 आई थी थाने से, एक सिपाही आए थे महेश। इन दिनों पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। बीते तीन दिनों से लगातार प्रशासन श्रीनगर नगर क्षेत्र के फुटपाथों, सड़कों के किनारों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की कार्रवाई का अवसर भी देखने को मिल रहा है। सालों से सड़कों पर अतिक्रमण कर चुके अतिक्रमणकारी खुद ही अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने में जुट गए हैं। वहीं SDM श्रीनगर ने यह भी स्पष्ट किया है कि ठेली फड़ वाले अगर नालियों के ऊपर अस्थायी अतिक्रमण भी करते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर चालान भी काटा जाएगा। साथ ही बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा यह अभियान अस्थायी अतिक्रमण को हटाने को लेकर चला है, अब स्थायी अतिक्रमण हटाने तक भी चलेगा। दो तीन दिन पहले जो कार्रवाई शुरू करी थी तो लगातार तीन दिन हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया था, एक दिन थोड़ा सा मिल गया, तो उसके बाद व्यापार संघ के कई लोगों से सब मुलाकात हुई, बैठक हुई, सबको समझाया गया कि आदि की भलाई के लिए। ज़्यादातर लोगों ने पॉजिटिव अपना एटीट्यूड दिखाते थे, खुद ही हटाना शुरू कर दिया और खुद हटवा दिया। कुछ लोगों ने नहीं हटाया तो उन लोगों ने दो तीन दिनों का समय मांगा, खुद उनको दे दिया गया, सोचा अनुसार अपना वो कर लेंगे। और मोस्टली तो यही समझाया जा रहा है कि आप पटरी को पैदल चलने के लिए खरीदें, उसमें कितने रेलिंग लगा रखी है तो उन्होंने हटा दी, कई लोगों ने अच्छा हटाया, टॉयलेट से एक लोगों ने हटा दी, कुछ लोगों की सीढ़ियाँ थी उन्होंने उसको भी साफ कर, कुछ लोग अभी भी बचे। इसी तरह से फल सब्जी और ये ठेले वाले जितने रहते हैं उनको भी लाइसेंस के हिसाब से बताया जा रहा है कि आपकी कहाँ तक की अनुमति हो, जिसकी अनुमति नहीं उसको।
ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग पंच पुलिया के पास सड़क में भारी मलबा आने और पानी आने से हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। ऐसे में 2 घंटे से भी ज्यादा समय से हाईवे बंद होने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि एनएच की मशीनों द्वारा हाईवे को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन पानी ज्यादा होने से हाईवे खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रायवाला थाना अंतर्गत मोतीपुर रेंज के जंगल में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। नग्न अवस्था में ये शव मिला है, इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर कुछ नमूने जांच के लिए इकट्ठा किए हैं। पुलिस संदिग्ध दिखाई दे रहे मामले की हर पहलू से जांच में जुट गई है। कावड़ यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न होने पर इडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने जनपद पौड़ी टिहरी और देहरादून के एसएसपी के साथ त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती की, जिसके बाद देहरादून रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम में कावड़ यात्रा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर एडीजी और एसएसपी ने सम्मानित किया। एडीजी ने कहा कि आपसी समन्वय स्थापित होने की वजह से ही नीलकंठ की कावड़ यात्रा सुरक्षित संपन्न हो सकी है। इसके लिए ड्यूटी पर आए सभी पुलिसकर्मी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र नहीं मिले हैं वो ये ना सोचे कि उन्होंने ड्यूटी नहीं करी है। सभी के सहयोग से कावड़ यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो पाई है। रायवाला और डोईवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।